तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में बिंटू सिंदड़। और आज पहुंचे हैं धनोला मंडी के अंदर। काफ़ी बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है यहाँ पर, एक से एक बढ़िया कारीगरों से आप लोगों की बातचीत कराते हैं। तो आइए हम नसीब पुंगड़ जियो से बात करते हैं। ये मतलब देखिए काफ़ी अच्छे बुल के साथ में मतलब कटिंग कर रहे हैं। तो सर ये बुल कितने दिन का हो गया सर? 23 महीने का बुल है। तो अब नसीब कुंगड़ से आप लोगों की बातचीत कराते हैं। तो सर जी ये आप जो कटिंग कर रहे हो इससे क्या बेनिफिट होता है? सर इसके लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, बताइए सर एक बार। सबसे पहले तो हम जो कटिंग करते हैं ना, इससे नहाने धोने में बहुत फर्क पड़ता है। कम पानी में पशु नहा लेता है और इस पे मैल नहीं रहता। अच्छा, इस पे परजीवी नहीं होते, जैसे कीचड़ चोरी डेरे ये नहीं होते। और दूसरी बात, एलर्जी नहीं होती, शरीर मखमल की तरह रहता है। आप मैंने कटिंग की है, एक बार आप हाथ लाके देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इतना सॉफ्ट है जो आप मतलब बता रहे हो, नहीं बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मतलब ये कई बार के कटिंग करने के बाद में मतलब ऊपर सी जावा है पशु, तो कौन सा तेल यूज करना चाहिए? सबसे पहले सरसों का तेल लाना चाहिए इसके ऊपर। हाँ, सरसों का तेल इससे ही मालिश करो। उसके बाद नारियल जिसमें गोला बोल रहे हैं कोकोनट, उसका तेल लगाओ। अच्छी मालिश करोगे तो शरीर में सॉफ्टनेस और भी आएगी। तो सर मतलब इस कटिंग उस्ताद शो का टाइम हो रहा है, हालांकि मारी रात। सर मैं कोई नहीं बोलने दे, पशुओं के सीन बनाता हूँ, खुर बनाता हूँ, कटिंग करता हूँ और बहुत सारे पशुओं की जाड़ बच जाती है, मैं वो भी काटता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जी, मतलब उनका लक्षण कैसे पता चला जी? जैसे जाड़ बदी किसी पशु की, जाड़पद की वो पशु का जो गोबर आएगा ना वो बहुत पतला होगा। जो भी चाटा हम डालते हैं ना खाने में, जैसे गेहूं का दलिया डाल दिया या चना डाल दिया, खंड डाल दी, वो सीधे बगैर पिसाई के आएंगे और गोबर उसका टाइट नहीं आएगा, मुंह में झटका लगेगा। तो उसका मतलब जाड़ बदरी। तो सर आपका मतलब कोई कॉन्टेक्ट नंबर हो तो बताइए। मेरा नंबर है 99915 38700। तो भाई किसे भाई ने सीम बनवाने हो, कटिंग करवानी हो, खुर बनवाने हो या भाई से संपर्क कर लियो। और काफी अच्छे अच्छे मतलब जगह मतलब भाई काम कर चुके हैं। तो सर एक बार थोड़ा बताइयो कौन से बोल की कटिंग की है, मतलब जो भी बताइयो सर एक बार। जिसकी मैंने सीन नहीं रहा, क्या बात है, काबिले तारीफ है साथियों। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां नसीब कुंगड़ नहीं गए हो। और रही दूसरी बात, कोई भी बुल ऐसा नहीं है जिस बुल की कटिंग इन्होंने नहीं की हो, सीन नहीं बनाए हो। तो साथियों हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, ये पूरे भारत के अंदर सबसे टॉप कारीगर है और ये इसी काम में पहले स्थान पर है साथियों। आज के दिन इसके मुकाबले में कोई कारीगर नहीं है इस काम में। और ये आप मतलब स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बनवाया हुआ है इन्होंने, मतलब क्वालिटी के लिए। मतलब इसके अंदर पशु को एंट्री करवाई जाती है और फिर उसके बाद में मतलब पशु का सींग कटिंग घोरिया जो भी है मतलब बनवाया जाता है। तो आप देख लीजिए, मतलब पशु को भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती। और यहाँ तो धनोला मंडी के अंदर देख लीजिए काफ़ी सारे पशु आए हुए हैं, लोगों की तादाद जो है मतलब पशुओं से भी बहुत ज़्यादा है, देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।